बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है वैसे, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। दोस्तों ये हैं ओराजो की तरफ से आने वाले नेगार्ड, हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुए हैं और मैंने 10% ऑफ में इन्हें खरीदे हैं। वैसे तकरीबन 2200-2300 रुपए में आ रहे थे, लेकिन मुझे 1900 रुपए के बीच में पड़े हैं। तो चलो इनको देखते हैं कि आखिरकार ये ठीक ठाक हैं। मैं क्योंकि मोटो व्लॉगिंग करता हूं तो मुझे नेगार्ड की बहुत ज़रूरत रहती है। इसके पहले मेरे पास स्कायो के थे, वो ख़राब हो चुके। अब इनकी क्वालिटी देखते हैं, ये आखिरकार 1900 रुपए के आसपास के हैं या फिर फुद्दू बन गया हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। ओहो भाई साहब, अंदर कुछ नहीं निकलता है, बस यही निकलता है। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन पैर में ये ठीक ठाक परफेक्ट रहेंगे नहीं रहेंगे, चलो फटाफट देख लेते हैं। तो ये ऐसे तीन इसकी स्ट्रेप आती है, स्ट्रेप में देखता हूँ। मेरे पास जो है उनकी स्ट्रेप ही ख़राब हुई, बार बार निकल जाती है। ओह मजबूत लग रही है यार, ओह मजबूत तो है। और ओराजो का नाम आपने सुना ही होगा, जूते बनाती है, राइडिंग शूज़ बनाती है, वाटरप्रूफ शूज़ बनाती है, महंगे आते हैं, 4-5 हज़ार रुपये के रेंज के आते हैं, तो वो तो नहीं खरीद सकते, हमने इनके ये ख़रीदे हैं। और इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेफ्ट का है मेरे पास में। ओ भाई साहब देख, अरे यार, तो ये मैंने पहना है इसको, और इसमें ऐसा बक्कल नहीं रहता है कुछ भी पहनाने का, बस डायरेक्ट आप लगा सकते हो। तो ये मैंने लगा लिए हैं और इसको देखते हैं लगा के। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखता है, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आपका निपूरा फोल्ड नहीं होता है, होने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। चलो इसको भी देखते हैं, इसको मैं पहन के देखता हूँ और ये ठीक ठाक है कि नहीं। चलो ये मैंने इनको खोल लिए हैं, स्ट्रेप काफ़ी मजबूत है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लग रही है वैसे मुझे। तो चलो लगा लेते हैं फटाफट, और ये मैंने इसको लगा लिया है। बस एक प्रॉब्लम और है इनमें, स्क्रैच बहुत जल्दी आते हैं, ब्लैक रहते हैं। तो ये बस एक प्रॉब्लम आ रही है, थाई पूरी जो है ऐसे, मतलब होने में थाई में प्रॉब्लम आती है, नी पूरे फोल्ड नहीं हो पा रहे, थोड़े से यहाँ से ये स्ट्रेप जो है ना वो प्रॉब्लम देता है, बाकी ठीक है। लुक वाइज तो बढ़िया है ही, आप देख सकते हो ये, और मजबूत है, डबल ट्रिपल लेयर है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके कागज़ पन्ने में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन है 1500-1700 रुपए के आसपास के हम इसको मान सकते हैं, और ओराजो के प्रोडक्ट महंगे ही आते हैं। तो ये बिल्कुल हमने बांध तो लिए, लेकिन बस लगे अच्छे, दिख भी अच्छे रहे, मेड इन इंडिया है लिखा हुआ है पीछे इसके। अब देखते हैं कितने समय तक इसकी स्ट्रेप ख़राब, इनमें कुछ नहीं होता, बस स्ट्रेप ख़राब हो जाती है। मेरे पास जो है उनकी भी स्ट्रेप ख़राब हो गई, वो बार बार निकलते हैं, तो बहुत दिन से सोच रहा था निकालने की कि इनको निकाल के नए ले लूँ, निकालने का मतलब रखने की। तो ये हैं, देख सकते हो ये लुक वाइज कुछ ऐसे दिखते हैं। तो आप ख़रीदना चाहते हो, आपको अगर नेगार्ड आप पहनते हो ज़रूरत है, तो आप एक बार ओराजो के देख ले, या फिर रेनॉक्स वगैरह बहुत सारी कंपनियों के आते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऑफ था, ले लिया, अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। अब आफ्टर यूज़ देखेंगे कितने समय तक ये चलते हैं, और फाइनली रिव्यू आपको जब मैं मोटो व्लॉगिंग करने जाऊँगा, राइड पे जाऊँगा, तब दूंगा। अब बस इतना ही, गुड बाय।